सुप्रभातम छात्र। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं अगले कक्षा में अनुवाद बनाना सिखाऊंगी। अनुवाद यानी सेंटेंस, किससे? लट लकार से। लट लकार से सेंटेंस बनाने के लिए हमें धातु रूप, लट लकार वर्तमान काल में किसी भी धातु के साथ फॉर्मूला को ऐड करके, यहाँ मैंने पठ धातु लिया है और पठ धातु के साथ तीनों वचन और तीनों पुरुषों को लगाया है और कर्ता के तीनों वचन और तीनों पुरुष के साथ क्रिया को लगाते हुए सेंटेंस बनाऊंगी। अब आप देखिए कि सेंटेंस कैसे बनाना है। यदि मैं प्रथम पुरुष से कर्ता लूंगी, एक वचन का वह होगा, तो प्रथम पुरुष एक वचन का ही हमें धातु लेना है क्रिया के साथ। मध्यम पुरुष का अगर एक वचन का कर्ता होगा तो मध्यम पुरुष का ही एक वचन का धातु लेना है। अगर उत्तम पुरुष का कर्ता होगा मैं, तो उत्तम पुरुष का ही धातु फॉर्मूला के साथ लगाना होगा। उत्तम पुरुष में क्या हो जाता है? आमी आवा आमा और पठामी पठावा पठामा। जैसे सेंटेंस है वह पढ़ता है, वह पढ़ता है सेंटेंस से ही पता चलता है कि वह पुल्लिंग का है, तो वह के लिए तीनों शब्द मैंने लिखा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वह का तीनों संस्कृत दिया हुआ है, सह, सा और तत्। तो यहाँ क्या है? वह पढ़ता है। वह पढ़ता है यानी पुल्लिंग, वो लड़का है, तो लड़का के साथ हमारा पुल्लिंग शब्द क्या आएगा? सह आएगा, है ना? सह आएगा। सह का अर्थ होता है वह, है ना? वह पुल्लिंग के लिए क्या आएगा? सह। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सह पठ में क्या लगा देंगे? एक वचन सह, एक वचन प्रथम पुरुष में सह है, तो एक वचन प्रथम पुरुष का ही हम फॉर्मूला लेंगे धातु के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? सह पठ प्लस ती, क्या हो जाएगा? पठती। सह पठती, वह पढ़ता है। दूसरा है तुम पढ़ते हो। तुम का संस्कृत होता है त्वम, है ना? तो त्वम एक वचन मध्यम पुरुष में आया है, एक वचन मध्यम पुरुष में क्या आया? त्वम आया। तो हम एक वचन मध्यम पुरुष का ही फॉर्मूला लेंगे, एक वचन मध्यम पुरुष का ही फॉर्मूला लेंगे सी। तो सी के साथ क्या लगा दिया? पठ लगा दिया, तो क्या हो गया? त्वम पठ सी, त्वम पठ प्लस सी, पठ सी। नेक्स्ट सेंटेंस है हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं, हम सब किसमें है? हम सब का संस्कृत होता है वयम, है ना? तो वयम किस में आया है? बहुवचन उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है वयम, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का ही हम क्या लेंगे? फॉर्मूला। उत्तम पुरुष बहुवचन का कर क्या हो जाएगा? वयम पठ में आमह लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वयम पठामह। नेक्स्ट सेंटेंस है वह पढ़ती है। वह पढ़ती है, पढ़ती है यानी लड़की है, तो वह का संस्कृत क्या होता है लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए? सा, एक वचन प्रथम पुरुष, तो एक वचन प्रथम पुरुष का ही हम क्या लेंगे? धातु प्लस फॉर्मूला, सा पढ़ती। तो यहाँ पहले भी मैंने सेंटेंस बनाया था जो लड़के के लिए था, सह पढ़ती, अब वह क्या हो जाएगा नीचे? सा पठती, यानी लड़की के लिए भी पठती लगेगा और लड़का के लिए भी पठती, है ना? लड़का के लिए भी ती ही लगेगा और लड़की के लिए भी ती ही लगेगा। अगर वह नपुंसक लिंग का रहेगा तो भी वह क्या होगा? ती ही लगेगा। तो ती तीनों लिंग के लिए हमारा फॉर्मूला ती ही लगेगा, है ना? सह पठती, सा पठती, समझ गए आप लोग? अब है वह दोनों पढ़ते हैं। वह दोनों कहाँ आया?
द्विवचन, किसके द्विवचन? प्रथम पुरुष के द्विवचन में वह दोनों, वह दोनों पढ़ते हैं, पढ़ते हैं यानी पुल्लिंग, पुल्लिंग, तो वह दोनों का क्या हो जाएगा? वह दोनों एक शब्द हो गया, तो वह दोनों का संस्कृत क्या हो जाएगा? तो वह दोनों पुल्लिंग में पुल्लिंग का संस्कृत क्या हो जाएगा? तो प्रथम पुरुष द्विवचन क्या हो जाएगा? तो, और प्रथम पुरुष द्विवचन का ही फॉर्मूला लेंगे तह, ये तह में पठ लग गया तो क्या हो गया? पठतः, तो क्या बन गया? तो पठतः। नेक्स्ट है वह दोनों पढ़ती है, वह दोनों किस में आया? पढ़ती है, तो वह हो गया लड़की, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है? ते, ते द्विवचन, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष द्विवचन का ही हम क्या लेंगे? फॉर्मूला लेंगे तह, तो क्या हो गया? ते पठतः, ते पठतः, लड़का के लिए तौ पठतः आया और लड़की के लिए क्या आया? ते पठतः, वे दोनों पढ़ती हैं। तो आपने सीखा कि कैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, वह दोनों का क्या हो गया? तौ हो गया, वह दोनों लड़की का क्या हो गया? ते हो गया। तो सेंटेंस बनाना कितना ईजी है, इसी प्रकार आप लोग भी क्या करेंगे, इस चार्ट को तैयार कर लेंगे। इस चार्ट को तैयार करने के बाद जिस तरह से मैंने सेंटेंस बनाया है, उसी तरह से आप लोग भी नेक्स्ट 5 सेंटेंस बनाएंगे, चाहे किसी से भी बना सकते हैं। हाँ, तुम, मैं, हम दोनों, किसी से भी, लेकिन धातु आपका पठ ही होना चाहिए। अभी पठ से सीखिए, पठ मतलब पढ़ना, पठ धातु से ही 5 सेंटेंस आप लोग भी बनाएंगे। हिंदी में भी लिखा हुआ है और संस्कृत में भी लिखा हुआ है कि त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम और सह, तौते, सातेता, तत्तेतानी का हिंदी क्या होता है। तो हिंदी में भी पहले आप लोग 5 सेंटेंस बनाएंगे, उसी 5 सेंटेंस का फॉर्मूला के साथ आप लोग क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे, यानी अनुवाद बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। इतना आप लोग करके रखिए, फिर मैं आगे बताऊँगी।